कितने दिन से सता रहा था? अभी 15 दिन से तो हाजिर हो रहा है। 4.5 साल से है कि उसके पास 15 दिन से तो हाजिर हो रहा हो, बहुत तकलीफ कर रहा हूँ। बिजनेस में रहते हैं, बेंगलोर पर परसों से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। बिजनेस क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, कॉलेज वगैरह विजिट करते रहता हूँ। काम तुम्हारे कौन है? मेरी बहन है, ये मेरे भाई। शादी हो कितना टाइम हो रहा? 11 साल, 2 बच्चे हैं और हमला है, वो भी हमला हमले के बाद बताते तो बच्चे को भी दूसरे को। अच्छा, कर रहा हो रे कमीने, जबान से बोल, मुंडी काट दूंगा नहीं तो। वो क्या पूछा मैं? क्या नहीं कर रहा? जोर से क्या नहीं कर रहा उसे? क्या बोल, बच्चे को क्यों मारता बोल रहा उसके? मुझे नको निकालो, मैं रहता हूँ इसके पास। क्यों रहता तू? कौन है तू? कैसा पसंद कर सकता तू? मरा हुआ इंसान है, जिन्नात है। कौन है तू? किसकी नस्ल से? जिन्नात की नस्ल से है। जिन्नात हो कैसे मनमाना कर रहा कमीने? काटू तेरे हाथ काट के बाहर टांगू क्या? तकलीफ नहीं दे रहा उसे? झूठे बात करता वैसे? मैं नहीं दे रहा। कौन तकलीफ दे रहा फिर उसको? झूठ बोलता मेरे सामने? मैं झूठ नहीं। जकड़ो उसको तेज के साथ अंदर से। मैं नहीं दे रहा सच। कौन तकलीफ दे रहा इसको? लाओ उसको पकड़ के मेरे सामने। और एक जिन है। नहीं छोड़ता हूँ तुझे। तू छह करते अंदर बैठ के छूटे बात कर रहा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा। चलो लाओ, कौन अगर तकलीफ दे रहा उसको 5 सेकंड में मेरे सामने हाजिर करो। चला तेज इस लाओ पकड़ के। कौन तकलीफ दे रहा उसको? तो ऐसे पकड़ो तुम्हें, मैं कुछ नहीं कर रहा उसे। हाँ चलो लाओ, सिर्फ मैं 5 सेकंड का मौका दे रहा हूँ। अगर उसमें उन्हें नहीं आया तो इन्हें सता रहा फिर उसको। लाओ जल्दी से पकड़ के। चल रहे जोर से। आया क्या? जोर से बोल। आया। कौन है तू? मरा हुआ इंसान है, खबीस है, जिन्नात है। किसकी नस्ल से? गंदा जिन्नात। गंदा जिन्नात है। जोर से बोल। गंदा जिन्नात है। गंदा है? कौन से गांव से आया? जितना पूछा उतना जवाब दे। अडमास बोला तो जबान काटने का हुक्म दे दूंगा। कहाँ से? धारवाड़। जोर से बोल। धारवाड़। खबरस्तान से भेजे, शमशान से भेजे? शमशान। जोर से बोल, लगा पूरी ताकत, जकड़ो उसको तेज से। शमशान। शमशान। कहाँ से आया? शमशान। हाँ, ये बच्ची का जादू करते सो वक्त क्या लेके गए थे? कपड़ा, चप्पल, मट्टी, क्या लिए थे? कपड़ा। कौन सा कपड़ा लिए थे? काय का लिए थे? बुर्का। कौन से कलर का लिए थे? काला। खामोश बैठो ना, तुम सवाल करा मैंने। काला। हाँ, कौन सा बुर्का लिए थे? खड़ा रहे। क्या लिए थे? काला। काले कलर का बुर्का। और आदमी ने लगा था कि औरत ने? नाम नहीं पूछा मैं, जितना पूछा उतना जवाब। किसने लिया था? औरत। अच्छा, जादूगर को कितने पैसे दिए थे? इसको मार दो बोले। क्या बोले? क्या करे? जोर से बोल। स्पीड कम करो, पंखे की उठ के उधर से। हाँ, क्या करे? करो गुड़ी। कहाँ ले जाके दफना है वो? वहाँ के शमशान में, कब्रिस्तान में। अच्छा, और तुझे क्या हुक्म दिए? बच्ची को क्या कर बोले? मार दे बोले। तकलीफ दे के? कैसी तकलीफ दे बोले? क्या तकलीफ दे? कमजोर कर को मार। गला गला के? घर में झगड़े भी लगा बोले? औरत मर्द में? घर की खैर बरकत उड़ा दे बोले? जोर से बोल। ए पुतले, सीधे तरीके से घुमा के ले, जगह पे मत ठहरो। हाँ, और क्या बोले? बच्ची को अम्मास में, पुन्नम में, अम्मास में ताकत मिल रही तुझे, अम्मास में मार बोले। और इसके जो बच्चा है पेट में उसको भी मार बोले। वो नहीं बोले, इसे मार। तो वो तू दिल से मार दे रहा था उसको? मैं नहीं मारा उसे। फिर उसको कौन मारने आए थे? धमकिया दे रहा था करता ना? और एक जिन, दो जिन। अच्छा, दूसरा धमकिया दे रहा था वो? तुम दोनों तीनों मिलकर मनमाना कर रहे? तुम्हारे हाथा माथा मुंडिया काट के बाहर टांग दूंगा। और तुझे क्या हुक्म दिए?
और क्या पूछाने का है? जोर से बोलो। औरत का नाम बोल सकते क्या? आप लोग बुर्का औरत लेके बोलने कहाँ से लेके पूछा हूँ? लाइव चल रहा, मसला नहीं। ठीक है, पूछो चल रहे गुलों के बाहर से फौज को मारने आई तुझे, सोच रहा तुझे लेड़ा लेड़ा के मारना पूरे इससे, अंत तेरे हाथा में कुछ लग रहा काट के ले लेता हूँ। मेरे को बहुत दिनों से होना था हाथा बाहर टंगाने का था, मेरे को जैसा काट के टंगा ना सबके मुंडे, वैसे तेरे हाथ भी टंगा देता हूँ। टंगा दू क्या? जोर से जबान से बोला या ना? हा? चल बता नाम, किसने कौन बुरखा चुराया था बच्ची का? उस औरत का रिश्ता क्या होता इसके साथ में? नाम बोल, बावास बुलंद नाम कर उसका। यास्मीन। जोर से, ए कैमरा नजीक आ। क्या नाम है? यास्मीन। क्या नाम है? यास्मीन। हाँ तब आना ना सीधे तरीके से लेना रे, हर बात सिखाना के तुम्हारे। हाँ बोल रहे, जल्दी ना आला अभी काट दूंगा। यास्मीन। कौन है? यास्मीन। कौन है? यास्मीन। उसके साथ और कौन मिले आला है? इसका घर वाला। क्या दुश्मनी है? रिश्ता करे। हाँ रिश्ता करे। जोर से बोल, मुझे सुने आना। रिश्ते से दुश्मनी। क्या रिश्ता? ये बच्ची को उनके पास कहीं क्यों दिए बोल के, उसके मर्द से क्यों शादी कराए? क्यों, क्या मकसद था उनका? नहीं मालूम। वो दुश्मनी पकड़ के करे सो। और क्या पूछाने का है? बस जा रहे पीछे जा कैमरे वाले। हाँ उन्होंने जो जादू करी बुरखा ली जाके, फिर बाद में उन्होंने एक दवा ली थी, वो दवा किस चीज में मिला के खिलाई इसको? गोश्त। हाँ जोर से, कई का गोश्त था वो? अच्छा जकड़ के रखो इस कुत्ते के साथ। इससे पहले दवा खाने में कोई बताए? बताए वो नॉर्मल पेट दर्द वगैरह के बदले बताए, प्रेग्नेंट है तो बाद में वो जिन हाजिर होने लगा, तो इससे अब ये दूसरा तुम बोला शायद, पहले वाला तो उन्हें बहुत मौलाना के पास में लिख गए थे तो क्या हुआ वहाँ पे? महाराज का नहीं मौलाना का नहीं, किसको बताए? सलीम भाई के बीजापुर में है, मौलाना या फिर इलाज वाला कौन? मौलाना थे एक। अच्छा हाँ, तो उनको बताए तो उन्होंने हाजिर में बातचीत भी करे, बोला इन्हें नहीं मैं नहीं जाता, नाम नहीं बोला, नाम मुंतजर वो जादू करने वालों का नाम बोला था क्या? नहीं नहीं उनका नाम नहीं नहीं बोला, जिनका नाम बोला अपना। झगड़ के रखो उसको तेजी के साथ में। बिल्कुल रोजाना आ रहा, तकलीफ दे रहा, हमें तकलीफ हो रही बहुत ज्यादा। ऐसा किसके भी सामने नाम नहीं बयान करते, वो शैताना जिन्ना था जहाँ सबसे बड़ी ताकत रहते, जो अल्लाह ने जिनको ताकत दिया नहीं उनके सामने बयान करते, और क्योंकि इंसान की नजर में वो ताकत नहीं है आम इंसान की, औलिया अल्लाह को तो अल्लाह ने बहुत ताकत देख रखा, मगर आम इंसान की बात बता रहा हूँ, उसकी नज़र में वो ताकत नहीं रहती कि किसके अंदर जिन्नात है, शैतान है, क्या है, कौन से लेवल पे चल रहा है, वो सब भापने की देख नहीं सकते हूँ। और जिन्नात और शैतान में की नज़रों में भी वो ताकत दिया अल्लाह ने कि उन्होंने आमिल कामिल वो शख्स जब भी पहचान लेते हैं कौन कितने पैमाने पर ताकतवर है, कौन कितने पैमाने पर, इसलिए उनको अदब से बैठना पड़ता जहाँ पर वो बड़ी ताकतों के सामने आते, जहाँ अल्लाह वालों की ताकत रहती वहाँ पर, क्योंकि उनको मालूम रहता कि हम अगर बेअदबी करेंगे और अगर बेअदबी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो झटके में उनके हाथा काट देते, नहीं तो मुंडिया काट के बाहर ले जाकर टांग देते, वो उनको सब मालूम रहता पूरी दास्तान, इसलिए वो बहुत अदब के दायरे में आते। और औलिया अल्लाह की नज़रों में नज़र नहीं मिला सकते, वो जो ओरिजिनल जिनको अल्लाह चुनता अगर नज़र में नज़र मिलाए तो जल के राख हो जाते, वो भी उनको सब मालूम होता, और छोटे मोटे इलाज वालों से डरते नहीं वो, और बहुत सारे दास्तान हर चीज़ का अलग अलग तरीक़ा रहता है, एक उस तरीके से उसको हल करना पड़ता, अपनी मनमानी करके अपन हल करेंगे तो नहीं जमेगा ना, फ्रिज का वायर ले जाके वॉशिंग मशीन से जोड़ेंगे या फ्रिज में कपड़े धोने का बोलेंगे तो नहीं धो सकते ना, वॉशिंग मशीन के अंदर तुम डालेंगे तो वॉश होंगे कपड़े, फ्रिज में ठंडी चीज़ें रखेंगे कुछ भी खाने की चीज़ें रखेंगे तो ठंडे रखे प्रोटेक्ट होंगे, फूटेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, तुम वॉशिंग मशीन में खाने की चीज़ें भर के रख के बोलेंगे कि नहीं हम उसमें जो रखेंगे उसमें जो गड़ना नहीं सड़ना नहीं अंदर सलामत सड़ जाते हो वो फ्रिज थोड़ी, और कपड़े फ्रिज में ला कर धोने का बोले तो फिर तुम पागल हो लोग, तो हर चीज़ का एक तरीका रहता है, उसको उसके तरीके से हल करना पड़ता है, उसको उसके तरीके से अमल करना पड़ता है, तो जब सही तरीके से इन चीज़ों पर काबू पा सकते हो और इनको ख़त्म कर सकते हो और गर्क और हलाक हो जाता है इंसान अगर ये चीज़ों को सही तरीके से अमल करके राइट नहीं कराया तो, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, और ये तुम्हारे बाहर इतने दिमाग के अंदर तुम्हारे वसवसे डालते कि तुम्हारे दिल दिमाग में ऐसा बोलते कि नहीं 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 चलो चलो इलाज नहीं करने का, नहीं 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 ऐसे नहीं करने का, चलो चलो जान जान नहीं 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 बस भूतोगा भूतोगा कुछ भी तुम्हारे से वसवसे डालते, नहीं हम ये नहीं, मैं जो तुम्हारा बता उसका उलट करने की कोशिश करते हो। अगर कोई तुम्हारा को बाहर विरोध कर रहा
यहाँ से मेरे सामने जाने के बाद रो रहा, नहीं ऐसा मत करो, नको मत, इलाज मत करो, समझ जाना कि उसके अंदर घुस के उन्हें विरोध कर रहा हो, क्योंकि मैंने पकड़ के पूछा है, वाली भी बहुत सारे वीडियो में, सौ से वीडियो में देख लो, ये बलाएं बदमाशियां भी करते, बोले तो तुम्हारे को इधर की दिशा में आने नहीं देते, इधर से भगा देते रिटर्न आने के बाद, तो क्योंकि मालूम रहता है कटने वाले जहां डुप्लीकेट रहते हैं वहां तुम्हारे नाच नाच के लिए जाते हो, जहां ओरिजिनल रहते हैं वहां आने नहीं देते, रास्ते में अड़थड़ा डालते, रुकावटें डालने की कोशिश करते, और आके जाने के बाद भी रिटर्न आने नहीं देते इलाज के लिए, ये सब ऐसे हरकतें करते हैं, क्योंकि इनको इनके तरीके से जला के राख करना पड़ता। कितने बार दवा खिलाई उन्होंने लड़की को, क्या नाम इनका, शिरीन को कितने बार दवा खिलाई, कितने बार, जोर से बोल, पांच बार खिलाई, किस किस चीज में मिला के, हाँ जोर से बोल, मीठे में, हाँ बोल, हाँ चिकन में, हाँ पानी में, चाव, इतनी चीजों में पकड़ मार देने का है, बोलो फिर इसको, है ना, मनमाना चल रहा तुम्हारे सबके, अब क्या करूँ, अब तेरे हाथा वाथा काट के बैठाऊ क्या, चल तोबा तोबा कर, अल्डा के तोबा कर, सुने आना सबको, दोनों हाथ मुंह मार, तोबा तोबा कर, अल्डा जल्दी उठा वादा पर, चीख मार के बोल, तोबा तोबा, जोर से, तोबा 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 तोबा, सुने नहीं आ रहा मुझे, तोबा तोबा, ना मखूल, सुने नहीं आ रहा मुझे, तोबा 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 तोबा, जोर से, तोबा 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 तोबा, जोर से, तोबा 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 तोबा, और जोर से, तोबा 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 तोबा, जोर से, तोबा 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 तोबा, करेंगा सतेंगा आप, हाँ आएंगा दोबारा उसके आंग में, तेरा साथी तू मिल के करेंगे परेशान उसको, कितने साथी हैं तेरे, मैं बोल, एकलाऊ मैं, तेरी कोई चालबाजी नहीं चलने देता, मैं मेरे को सब मालूम है, मैं हर चीज देख रहा हूँ बैठ के, मगर तेरी जबान से पूछ रहा हूँ मैं, तू कितना सही बोल रहा, तुझे बताता हूँ आगे मैं क्या करने वाला, तू कैसा जला के रख करता हूँ, तो एकलाऊ मैं, पहले वाला एक है, पहले अकेला था, अभी क्या उन्हें क्या बोला कि अभी अमास में फिर एक को छोड़ा मैंने गंदा इन से बोल के बोले, मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे आने उसकी मेरे लड़ाई हो रही है, नहीं आने, पहले वाला क्या बोला, मैं पसंद करता हूँ इसको, अब दूसरे को उन्हें छोड़ा है, और अकेला जो कराया उन्हें छोड़ा बोला, अभी ने पहले वाला है, दूसरे वाला है, घर में क्या क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्ची को, जोर से बोल, कमजोर कर रहा था, और दर्दा क्या दे रहा था उसको, पूरा बॉडी में दर्द दे रहा था, और कमर में दर्द दे रहा था, और उठने नहीं दे रहा था, और लड़ाई भी लगा रहा था, नहीं। पूरा कमजोर कर रहा था। अच्छा मारने को कितना टाइम बचा था बच्ची को, एक साल छह महीने दो महीने अगली अम्मास चार अम्मास कितनी, ये बस आने वाली अम्मास में कितना महीने, ये बीस महीने, ये क्या बीस दिन के अंदर बाहर समझ, एक महीना है उसमें, फिर फाइनल मार देने का था, कैसा मारने का हुक्म दिए थे, एक्सीडेंट करके मार बोले, के जला के मार दे बोले, के बीमारी बदल के मार बोले, क्या सुसाइड करा बोले, बीमारी नहीं तो सुसाइड, जोर से बोल, सुसाइड मैं तो बीमारी, दोनों में से एक, कौन से वाली बीमारी थी वो, पूरी कमजोरी, कमजोरी बदल देना, सुसाइड का गलबा डाल के सुसाइड करा देना, ऐसा था क्या, चल तबा कर, जोर से तबा कर, जोर से, चल जा, अब मुझे दिखना नहीं, दूसरे से अगर उसके आंग में दिखा तो तेरे को चीर के दो टुकड़े करके बाहर टांग दूंगा, चल निकाल, तेरे तू जिसकी पूजा करता, जो तेरे बादशाह लोग है, जो तेरे सम्राट है, सब मेरे पास गुलाम है, पकड़ के रखे कैद करके, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, चल उसको छोड़, निकल, डाल दे जा, कोई बच्चे को तकलीफ नहीं होना, कोई माँ को तकलीफ नहीं होना, पीछे से एक जना को सपोर्ट करो, गिरती हो ऐसा, हाँ सपोर्ट करो उसको, जा चल, पानी ले इधर, बोलो, साढ़े चार साल से, सौ देखो मैं सब राइट कराता हूँ, अल्लाह करम,
क्या नाम है? श्री। आए श्री पानी पियो। पानी पियो। वो बाटला लो। ये जो पानी है सुबह शाम दो तीन टाइम मुंह पे मारना, ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाते रहना, और हर नमाज के बाद में इस पे सात बार अतल कुर्सी सात सात बार चारों कुल पढ़ के दम करना। और ये जो पानी है दुआ का है, बढ़ाना पिलाना ज्यादा से ज्यादा, और इस पे भी सात बार अतल कुर्सी सात सात बार चारों कुल पढ़ के दम करना। जल्दी लो जी पकड़ो। सात बार अतल कुर्सी इसमें दम करना दोनों पे हर नमाज के बाद में। मोमिनो मुसलमानो नमाज की पाबंदी करो, पांच वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज एक ऐसी चीज है दुनिया और आखिरत तुम्हारी सवार देती। नमाज से गाफिल रहने वाले बंदो तुम्हारे पे तो फिर अल्लाह की लानत नाजिल होना वाजिब है, क्योंकि नमाज और इबादत करके तुम अल्लाह पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह के पास ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं जो 70,000 साल से रुकू में हैं, तो कोई 70,000 साल से सजदे में है, तो कोई 70,000 साल से नींद बन के ठहरा, तो अल्लाह उनकी इबादतों को देखता भी नहीं। तो तुम्हारी इबादतों से इसलिए खुश होता अल्लाह कि तुम दुनिया की घर गृहस्थियों में रहते हुए भी तुम अल्लाह की इबादत कर रहे, बल्कि अल्लाह तुम पे खुश होता और तुम्हार को ये सब बलाओं से वबाओं से आफतों से महफूज रखता। उसकी खास बात है, क्योंकि तुम नेक सालहीन बंदों में शुमार रहेंगे अल्लाह के। तो तुम एक बात तुम्हारे जहन नशीन कर लो, दिमाग के अंदर बिठाओ, क्योंकि अल्लाह दुनिया का निजाम किसी के हाथ में नहीं देता। कोई तुम सोच रहे होंगे कि मंत्री मिनिस्टर आमदार खासदार राजा रानी मिनिस्टर इन्हों हुकूमत नहीं चलाते, इन्हों तुम्हारे जिस्मों पे हुकूमत चला सकते, मगर तुम्हारे दिल पे नेचर पे सांस पे हवा पे हर चीज पे पानी पे आग पे दुनिया की जितना भी जो आलम है उस सब के ऊपर हुकूमत अल्लाह चलाता। अल्लाह हर चीज पे खादिर है, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों पे भी खादिर है, तुम्हारे रूहों पे भी खादिर है, बेजान पे भी खादिर है, और जानदार पे भी अल्लाह खादिर है। अल्लाह हर चीज पे हुकूम चलाता, मगर अल्लाह खुद जमीन पे आके सिस्टम नहीं चलाता, चुनिंदा बंदों के हाथ में निजाम दिया लड़ता। कुतुब है, अब्दाल है, औलिया अल्लाह है, इन सब के जरिए से कायनात का निजाम चलाता। ये अल्लाह की खास बात है। तुम अगर इबादत करते, तुम अगर इबादत की रस्सी को कसरत से पकड़े आले है, तो फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत अल्लाह के वलियों से कुतुबों से अब्दालों से उनके जरिए कराता, उनके जरिए डायरेक्ट उनकी नजर करम तुम्हारे ऊपर हो जाती है अगर कौन तुम पे जादू टोना कर रहा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनको इशारा मिलता और उनको इशारा मिलता जो तुम्हारी हिफाजत करने को ठहर जाते, और फरिश्ते भी उतरते अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुम बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमको डायरेक्ट फरिश्ते होना, डायरेक्ट ही हमको अल्लाह की मदद होना, तो मांगो ना मांगो, तुम्हारी जबान जाती के वहां तक देखेंगे कितने नेक बखत है तुम, कितना तुम्हारे जबान में तासीर है। सिगरेट पीने वाली जबान, लोगों को गालियां देने वाली जबान, पूड़ियां खाने वाली जबान, या अयानत में खयानत करने वाली जबान, की छोटे और बड़े की तमीज नहीं करने वाली जबान, औरत का सुन के माँ को लड़ने वाली जबान, बाप को पलटा के बोलने वाली जबान, उस्ताद का अदब नहीं करने वाली जबान, कहां से ये जबान में तासीर रहेगा, और कहां से ये जबान से फिर इतना तासीर आसमान तक जाएगा, और रब्बुल आलमीन तुम्हारा सुन के तुम्हारे पर फैसला देगा कैसा देगा। है तुम्हारी जबान उस लायक, है तुम उस लायक? और वलियों को बुरा बोलते, औलिया अल्लाह को बुरा बोलते, अरे अकल के अंधो समझो, अगर कोई तुम्हारे सामने अल्लाह के वली को अगर बुरा बोल रहा, तो उसके सामने फौरी उसके ऊपर लाहौल पड़ के आगे हट जाओ, दूर हट जाओ, सुनो मत। क्यों मत सुनो? तुम्हारी तकदीर खराब हो जाती, बर्बाद हो जाती, दुनिया आखिरत तुम्हारी सब गर्क हो जाती। सुन भी लिए तुमने तो क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता कि मेरे वलियों के बारे में हदीस खुद्दूसी और हदीस नबवी वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करे, और हदीस खुद्दूसी वो है जो डायरेक्ट अल्लाह ने बयान करा। और अल्लाह क्या बोलता कि मेरे औलिया अल्लाह के बारे में, मेरे वलियों के बारे में दिल के अंदर जरा भी तुम अगर बुग्ज रखते, बुग्ज दिल के अंदर खाली इरादा रखते थोड़ा सा बुरा सोचने का, तो तुम्हारे से खुले जंग का ऐलान करता अल्लाह फरमा देता, खुले जंग का ऐलान है। इतनी मोहब्बत करता हूँ अपने वलियों से, क्योंकि वो मिट गए रहते उसके लव में, उसकी इबादत में, ना उन्होंने कभी सिगरेट देखते हैं, ना उन्होंने कभी बीड़ी देखे रहती, ना कभी उन्होंने क्या बोलते तो किसी का डुबाए वाला रहता, ना किसी को बुरा बोले वाला रहता, सिर्फ उनकी जबान उठती तो सिर्फ एक ही काम के वास्ते उठती, वो इल्लल्लाह इल्लल्लाह के नशे में गर्क हो जाते वो, तू मुझ में राजदा, मैं तुझ में राजदा बोलकर तुम जाके वहां काड़िया करेंगे, तो फिर तो तुम्हारी तकदीर तो जल के राख हो जाएंगी, किसका कुछ नहीं जाएगा। पहले अल्लाह ने फरमा दिया हदीस कुद्दूसी के अंदर, कुरान में भी फरमा देता कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून।
मुसलमान हकीकतन मायनों में कोई इबादत करते हैं तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह के वली, और हकीकतन मायनों में अल्लाह से डरते तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह के वली। बताओ तुम अब फिर तुम कैसा बचेंगे फिर अगर अल्लाह के वलियों को बुरा बोलेंगे तो? इसलिए बाज आ जाओ और बचो। तुम्हारे सामने अगर कोई आके अल्लाह की वलियों को बुरा भी बोल रहा तो फौरी उस पर लानत अल्लाह की भेजो और भेज के वहां से भाग जाओ, क्योंकि मर्दूत के साथ मिले आला है, उसके अंदर शैतान हावी है, उसके ऊपर उन्हें नफसी नफसी करने वाला इंसान है। बोल कौन अल्लाह के वलियों को बुरा बोल रहा, क्योंकि उसकी नफ्स उस पर हावी है और उसकी नफ्स तुम्हारे को भी घर कर देंगे और हलाक कर देंगे। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारा दुश्मन बनेगा और खुले जंग का ऐलान कर देगा तो तुम्हारी पूरी तकदीर जल के राख हो गई, फिर ना तुम दुनिया के बचे ना आखिरत के बचे। सज्जाद जो है तो ना दुनिया का बचा ना आखिरत का बचा, नमरूद ना दुनिया का बचा ना आखिरत का बचा, फिरौन ना दुनिया का बचा ना आखिरत का बचा, क्या नहीं था उनके पास में, बचे क्या? तो वैसा तुम्हारा भी आलम हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। औलिया अल्लाह वो रहते कि उन तुम्हारे को अगर कहीं पर भी दिख गए और तुम्हारी रूहानी ने अगर इत्तला दे दी कि कोई बड़ी शख्सियत और महसूस हो रहा तो फौरी उनका मुसाफा करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मेरे वलियों के साथ एक लम्हा तुम अगर बैठते, एक लम्हे में तो पलक मार देता इंसान, एक लम्हा अगर तुम अपने उसके साथ में बैठते औलिया अल्लाह के या कोई अल्लाह वाले की सोबत में तो अल्लाह फरमाता 60 साल की इबादत का सवाब दूंगा। कितने साल की? 60 साल की। ये अल्लाह के वलियों के दर्जे इतने बुलंद रखा अल्लाह ने, उनके मकामात, उनकी इबादतों को तुम भाप नहीं सकते, उनकी इबादतों को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनकी इबादतों को ना तुम पैरेदारी लगा के देख सकते हो कैसी इबादत करते, कहां इबादत करते और क्या इबादत करते, इतनी छुपा के और अल्लाह के नाम में इबादत करते हो। तुम्हारे सब दिखाने को नहीं, पिशानियों पे गड्ढे पड़ गए, उसके बाद में टकनों से उठा दिए, छलवा रहा अंजारे हाय हुप करते हुए, धूप होने लगी कि धूप में हाय हुप कैसे नमाज पढ़ेंगे, कूलर लगा दो नमाज पढ़ने के लिए, एसी लगा दो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। अरे रे रे रे, कैसी नमाज है ये कौन सी नमाज है? नमाज में तुझे नालायक, तुझे अल्लाह का ख्याल छोड़ के तुझे एसी का ख्याल आ रहा, बोल के तू एसी लगा रहा, सुकून ले रहा तू वहां पे नमाज में, तेको क्या बोलते तो गर्मी का एहसास हो रहा, अल्लाह का एहसास छोड़ के मैं तुझ में राजदा तू मुझ में राजदा, कैसी इबादतें होंगी, कैसा आलम होगा? उनको बुरा बोलते, शर्म नहीं आती? पेटा तुम्हारे बाहर निकल जा रहे खा खा के, और औलिया अल्लाह को देखो नहीं खा खा के सुख गए वाले रहते हो खाली इबादत में, इबादत उन्होंने खाने के लिए नहीं जीते, तुम खाने के लिए जीते, उन्होंने जीने के लिए खाते थोड़ा सा सिर्फ, बस सुन्नत तरीका है। बोल के बहुत सारे वलियां अलग अलग तरीकत पे गुजरे आले, उनके सब आलम देखो तुमको पता चलेगा। और बाकी डुप्लीकेट और चोर और बदमाश तो जगह जगह भरे आले, वो अपने आप को वलियां बोलते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं, और वली जो अपने आप को बोल रहा हो कैसा वली हो सकता? वलियों के हाथ से मौजजात दिखाता अल्लाह, खुद ब खुद मौजजात निकालते, उनके जबानों में ऐसा तासीर देता कि उन्हें जो बोले वो होता, उन्हें जैसा हुक्म दिए उसी तामील होती, वो उनके जबानों का तासीर रहता, वो रहते अल्लाह के औलिया। तो बहुत बड़ा खारी बन जाने से, बहुत बड़ा बुखारी बन जाने से 10,000 हदीस है तो तुमने याद नहीं करोगे, 10,000 या 1,00,000 हदीस भी तुम याद करके आ गए तो भी तुम अल्लाह के वली नहीं बन सकते। अल्लाह के वलियों बनने के लिए अल्लाह खुद चुनता अपने वलियों को, उनमें ऐसी वो डालता कि उनको सारे इससे पाक रखता, डर से महफूज रखता, उनके दिल दिमाग उन्हें डरते नहीं सिवाय अल्लाह के किसी से, कीने कपट से उनके दिलों को पाक रखता, उन्हों किसी को देख के कीना कपट नहीं कर सकते, उन्हें खुश होकर दुआएं देते, जा अल्लाह तुझे और नवाजे, जा अल्लाह तुझे और नवाजे, उनको गालियां दे दो गुस्सा नहीं रखते, उनके अंग पे कीचड़ डाल दो उन्हें साफ करके चले जाएंगे। तुम कीचड़ डाल रहे हो उनके अंग पे मगर उन्हें खुशी से साफ कर देते, बोलते जा अल्लाह तुझे माफ करे, मगर अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह ने क्या बोले आला है, अगर मेरे उनके बारे में बुरा सोचे तो तुमसे जंग का ऐलान करता हूँ, तो तुम तो कीचड़ डाल के गए, तो उन्हें तो माफ कर देते मगर अल्लाह माफ नहीं करता। ये निजाम है अल्लाह का, कोई तो है जो आलम है निजाम भी जो है सारी हस्ती, कौन सी सबसे बड़ी हस्ती जो सारे आलम के निजाम को चला रहा, मजाक समझे तुमको, इतने सर के गोले पे है, जरा सर का गोला उससे लाख कहीं गुना लाख बड़े बड़े गैलेक्स हैं और गोले बना वाले अल्लाह, गैलेक्स तो इतने बड़े तो उसको तो गिन भी नहीं सकते और नाप भी नहीं सकते, इतनी बड़ी खुदा की कुदरत है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और अरे बेवकूफ लोगो, तुम्हारे को भी बयान करूंगा मैं, तुम्हारे को आजकल ऐसा उल्लू बना रहे, वो इसको बुरा बोलो, उसके धर्म को बुरा बोलो, इसके धर्म को बुरा बोलो, अक्ल के पैदल लोगो, तुम अल्लाह को बुरा बोल रहे मगर तुम्हारे को ये नहीं मालूम कि उसका अर्थ हिंदी में ईश्वर होता, हिंदी में उसमें कहीं भी जाके देखो तुम ईश्वर, और दूसरी जबान में चेक करो और कुछ होता, तो इंग्लिश में चेक करो गॉड होता, गॉड मैसेंजर अलग है, गॉड अलग है, ईशु को सूली पे चढ़ाए तो ईशु गॉड मैसेंजर थे, और गॉड वो था कि जो अल्लाह जिसका नाम है, अरबी में जिसको अल्लाह बोलेंगे, हिंदी में जिसको ईश्वर बोलेंगे, इंग्लिश में जिसको गॉड बोलेंगे, तो वो जात का नाम अल्लाह है जिसको किसी ने नहीं देखा, तो तुम अपने ईश्वर को बुरा बोल रहे, अकल है तुम्हारे को? हम अरबी में उसका नाम ले रहे अल्लाह बोल के और तुम्हारे को बोलने लगा रहे बुरा, तो
तुम्हारे को क्या आलम होगा जब तुम मरेंगे और जब तुम्हारा कुछ तुम्हारे सामने जब तो सबका एक दिन आने वाला है ना आखिरत का, सबको मरने के बाद तो पूछ होने वाली ना कि तुम्हारे को धर्म शास्त्रों के अंदर ये पढ़ाया नहीं गया कोई भी धर्म की किताब के अंदर कि अंतिम दिन आने वाला है, इंसान मरने भी वाला है, उसका हिसाब किताब भी होने वाला है, खबर में भी हिसाब होने वाला है, सारे बातें उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, हर मामलों में अलग अलग तो सिखा वाला है ना, बता वाला ना। फिर तुम अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को बुरा बोल के जा रहे अकल के पैदल लोग हो, तो फिर तो तुम्हारे को तो तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाती है, आखिरत भी खराब हो गई। तुम्हारे चंद उल्लू बनाने वाले अनपढ़ जाहिल गवार लोगों ने जो धार्मिक किताबों को तो बारीकी से नहीं पढ़े, ऊपर के ढाई अक्षर याद करके आ गए और वो तुम्हारे सुना दिए और तुमने उसको फॉलो कर दिए और फॉलो करके तुम अपने ईश्वर को बुरा बोल रहे। ईश्वर के गॉड मैसेंजर अलग थे, ये जहन में बिठा लो। क्रिश्चियन में यीशु, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों में, तुम्हारे में कौन से पैगंबर दिया था उन्होंने, तुम ढूंढ लो, सब में अलग अलग दिया था। लास्ट में अव्वल व आखिर खातिम उस जमा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मोहम्मदिया बनाकर तुम्हारे को उम्मत मोहम्मदिया में दे दिया अल्लाह ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। और तुम गॉड मैसेंजरों को भी नहीं बोल सकते बुरा, तो भी तुम आजाब में गिर जाएंगे, तुम्हारे पे नहुसती लग जाएंगी, तुम बर्बाद हो जाएंगे। तो तुम डायरेक्ट ईश्वर कुछ बुरा बोल दे रहे, तुम्हारा भगवान बुरा, तुम भगवान नहीं, भगवान जो है तो जो देता उसका नाम है देवता, माँ जन्म देती वो भी देवता, माँ बाप, टीचर तुम्हारे को ज्ञान देता वो भी तुम्हारा देवता, तुम बोल सकते उसको, देने वाले को देवता बोलते। और भगवान जहां देखे ना सीरियलों में देवता की ताकत कम पड़ गई तो उन्हें भगवान के पास भागता, फिर भगवान तुम्हारे बता ला है कि ईश, तुम्हारे भगवान बता दिया इधर, समझो उन्होंने जो भी बताएंगे उनके इसमें, तुम्हारे इधर बता वाला है, तुम्हारे धार्मिक किताबों के अंदर बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण, उसके बाद में तुम्हारे महादेव, ये सब तुम्हारे बता ले कि ये भगवान देवता, वो देने वाला जो जन्म देता उसको देवता बोलो, जो कुछ भी देता तुम्हारे सूरज तुम्हारे धूप दे रहा तो तुमने उसको भी देवता बोल दिया संस्कृत के हिसाब से, चांद तुम्हारे रोशनी दे रहा तो वो भी देवता, रोशनी देने वाला को देवता बोलते हैं। फिर देवता का जहां ताकत कम पड़ती उन्हीं भगवान के पास जाता, भगवान ज्ञान जिसके पास है ज्ञान को बोलते हैं भगवान, संस्कृत का ट्रांसलेट करके पढ़ो। फिर उसके बाद भगवान जब तुम्हारा जो उन्होंने उससे बड़ी ताकत के पास गए, ज्ञान जिसके पास रहता, अब इनकी ताकत कम पड़ी दोनों ज्ञानी के पास जाएंगे, गुरु के पास, गुरु से पूछे तो ज्ञानी फिर तुम्हारे बताएंगे ऐसा करो वैसा करो। और बाद में जब उनकी भी ताकत कहीं कम पड़ रही तो उन्होंने क्या करते हैं, आग बंद करके अपनी इसमें चले जाते, एक सुई बोलेंगे उर्दू के अंदर, एक सुई और तुम्हारे इसमें ध्यान लगाना और दूसरे धर्मों में और कुछ बहुत कुछ बनामा बोले आले उसके, तो वो चले जाते सही। तो क्या करते हो जाकर शक्ति बढ़ाते अपनी, तो किससे मन की शक्ति बढ़ाते, ईश्वर से। तो उस ईश्वर का क्या नाम है, उस ईश्वर का नाम है अल्लाह अरबी में, हिंदी में ईश्वर, हिंदी में संस्कृत में बोलते देख लो ईश्वर, इंग्लिश में गॉड, ऐसे बहुत सारे उसके नाम है, मगर है तो वो ना। तुम उस कुछ बुरा बोल रहे फिर मार पड़ेंगे तुम्हारे, खामा खा तुम्हारी तकदीर जल जाएंगी, खामा खा तुम्हारे पीछे नहुसती लग जाएंगी, तुम्हारे काम नहीं बनेंगे, कर्ज में डूबेंगे, तुम किसका फिर क्या जाएगा, कुछ जाने लग गया। इसलिए समझो सारे धर्म का, हर धर्म का कंक्लूजन निकाल दो लास्ट में, उसकी सारी थीरीज का कंक्लूजन ये निकलेगा कि ईश्वर पर जाके जुड़ेगा लास्ट में एंड, और बताएंगे कि तुम्हारे को ईश्वर की कोई शक्ल नहीं है, वो कैसा है दिखता नहीं, वो क्या है तुम बुलवा लो, खाली उसको महसूस करो बस। तुम रोशनी जो लाइट है तो क्या उजाले को तुम देख सकते क्या, अंधेरा और उजाला तुम्हारे को दिख रहा मगर किस रोशनी आ रही कहां से, रोशनी को महसूस जो अंदाज से करना पड़ता उस अंदाज से ईश्वर को महसूस करना पड़ेगा तुम्हारे, ईश्वर दिखता नहीं तुम्हारे सामने कैसा आएगा। ये सब बहुत सारे बातें हैं, इतनी बारीक बारीक बातें अगर समझाने गया तो और नीचे बारीक थेरीज के अंदर तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए इन शॉर्ट में समझ जाओ, ऐसा बोलना नहीं तुम्हारी तकदीर है, तुम्हारे परेशानियों में घेर लेंगे फिर किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम अपने हाथ से अपने जबान से ही अपने ईश्वर को बुरा बोल रहे हैं। अक्ल से पैदल लोगों समझो, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोक दो, कौन से आए थे, अच्छा पूरा पी लो पानी।